अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है स्टडी इन हंगरी से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि भाई हंगरी से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें। तो काफ़ी दिनों से मैं गायब भी था, वीडियो भी नहीं बना रहा था, तकरीबन 1 वीक हो गया था, कुछ बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्टडी इन हंगरी से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छी जो है वो ये कंट्री है, शेंगेन जोन में आती है। फीसें भी इसकी रिलायबल सी इनकी फीसेज होती हैं, तकरीबन 2000 से लेके तकरीबन 3000-4000 तक इनकी जो है वो फीसेज आती हैं। और वैसे भी आजकल जो है वो हंगेरियन स्कॉलरशिप भी चल रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो उससे रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में ये था कि हंगरी की एक जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, उससे रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़ीस भी काफ़ी रिलायबल है। वैसे तो हंगरी के अंदर काफ़ी डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अटवॉस लॉरेंट की, तो ये काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट कोर्सेज मास्टर्स के लिए और बैचलर के लिए जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसमें आप एक कम फीस के अंदर जो है वो शेंगेन वीज़ा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान से निकलना ही स्पेशली। तो हंगरी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली लैंग्वेज कोर्सेज से बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही आपका एडमिशन हो जाता है। तो आइए हम मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो अटवॉस लॉरेंट है वो कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रही है, और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस खुद कर रहे हैं वो किस तरीके से अपना जो है वो प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर जो है वो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ब्रदर, सबसे पहले आपने करना क्या है कि गूगल के ऊपर आपने सिंपल यूनिवर्सिटी का नाम है और अटवॉस लॉरेंट यूनिवर्सिटी अप्लाई ऑनलाइन आपने मेंशन कर देना है, और आपके सामने ये वाला जो है वो डेस्कटॉप शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो अटवॉस लॉरेंट यूनिवर्सिटी अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सिंपल प्रोसेस है, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे अगर हम फाइंड कोर्सेज की बात करते हैं, तो बैचलर के तकरीबन 18 कोर्सेज हैं और मास्टर के तकरीबन 60 कोर्सेज हैं। उसके अलावा आपने जो है वो इसमें चेक जो है वो डिफरेंट दिए गए हैं लैंग्वेजेस के, तो उन चेक्स को आप देख लें किसको करना है आपने, ठीक है। मास्टर्स में अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास तकरीबन 60 कोर्सेज आते हैं, तो जिसमें अमेरिकन स्टडीज़ हैं, मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेज रिलेटेड, प्योर साइंसेज से, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आर्कियोलॉजी है, उसके अलावा ये इसमें एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, बल्गेरियन लैंग्वेज है, कार्टोग्राफी है जो कि प्योर सोशल साइंसेज के हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं भाई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई कोर्स बता दें, तो हंगरी के अंदर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बड़े अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक कार्टोग्राफी है जिसकी फीस भी 3200 है, ठीक है। इसी तरह सेंट्रल यूरोपियन स्टडी है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, जो जिन्होंने मास कम्युनिकेशन किया उनकी भी इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। कम्युनिटी सिविल सर्विसेज है, कंप्यूटेशनल एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेज हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसके अंदर कोर्सेज हैं। इसी तरह इनके अंदर डिफरेंट जो है वो आप कोर्सेज देख सकते हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल आप जब इसमें साइन इन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं, तो इसके अंदर आप किसी भी जो है वो अपनी ईमेल को ऐड करेंगे। हम इसमें शो कर देते हैं कि कंटिन्यू एज आ, अगर मैं इसी ईमेल को लेकर चलता हूँ तो ये इसमें जो है वो कर रहा है, मैं इस ईमेल को लेकर चलता हूँ। अब अगर इसमें ये होता है कि अगर तो आप पासवर्ड इसमें ऐड कर दें, या आप ये है कि सेंड अ वन टाइम लिंक अगर इसमें शेयर करते हैं, तो वो आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो एक लिंक चला जाता है, जिसके थ्रू आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है इस पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर हम इस पासवर्ड के ऊपर इसका लगाते हैं, तो ये जो है पासवर्ड ऑलरेडी सेव था, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। हम इसको अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव करने के बाद अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इसका आ जाएगा, जो नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, आपका वही चीज़ें आ जाएगी, सेम पाकिस्तान कंट्री करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे एंड सो ऑन कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब हमने कोर्स कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कार्टोग्राफी को ही ले रहे हैं, चले मैं उसकी बात कर रहा था, तो उसी को ले लेते हैं। जब हम मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, तो इसका एप्लीकेशन पीरियड जो है वो 31 जनवरी तक है फर्स्ट, और सेकेंड जो है वो इसका फर्स्ट फेब तक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें भाई मैं आपको बता देता हूँ कि 3200 जो है वो इनकी पर सेमेस्टर की फीस दे रहे हैं, लेकिन ये पर एनम होती है, ठीक है।
और 80 यूरो इनकी एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा उसने बताया कि द फॉलोइंग बीएस डिग्री आर एक्सेप्टेड कार्टोग्राफी जियो इन्फॉर्मेटिव जियोमेटिक्स जियोग्राफी और साइंसेस रिलेटेड। आप इसमें इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो B2 लेवल चाहिए, ठीक है, किसी किस्म का उन्होंने इंग्लिश राइट्स वगैरह नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बैचलर लेवल डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, CV है, मेन पेज ऑफ कॉपी पासपोर्ट है, पासपोर्ट फोटोज हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हैं। अब अगर हम इस पे अप्लाई के ऊपर जाते हैं इसके ऊपर, तो सिंपल आपके पास वो प्रोफाइल पे आ जाता है। प्रोफाइल में आप अपना नाम, फैमिली नेम कर देंगे, जेंडर को मेंशन कर देंगे, नेशनैलिटी है पाकिस्तान अगर आप कर देते हैं, मदर नेम। अच्छा, इसमें यह है कि हंगरी ने ना मदर नेम भी लेते हैं, तो जो आपकी मदर का उनके उसके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर नेम है वही मेंशन कीजिएगा। फैमिली नेम में आपके फादर का या सर नेम आ जाएगा, गिवन नेम एट बर्थ आपका आ जाएगा, फैमिली नेम एट आपका बर्थ आ जाएगा, मदर गिवन नेम एट बर्थ आ जाएगा, मदर का फैमिली नेम एट बर्थ आ जाएगा, और आपकी एक अदर फोटो आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पासपोर्ट नंबर है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट है, सेम आईडी कार्ड नंबर है, बर्थ डेट है, एंड कंट्री का कंट्री ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर वही आपकी जो है वो स्ट्रीट एड्रेस, हाउस नंबर, सिटी प्रॉमिस, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। एमरजेंसी को कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मांगते हैं, किसी का भी दे दें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अगर एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन, जैसे मैंने प्रीवियस डिग्रीज में भी अपनी वीडियोज में भी बताया कि यहाँ पर जो बैचलर है वो आपका 4 साल का या 3 साल का कम से कम कंसीडर होता है। तुम्हारे यहाँ पर 3 साल का तो बैचलर होता नहीं है, तो 4 साल का ही हम BS करते हैं। तो जिनकी दो दो साल की डिग्री है, मतलब कि आपके पास कम से कम 60 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, और 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए बैचलर में अप्लाई करने के लिए। लेवल ऑफ अपना एजुकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, बैचलर मास्टर में कर रहे हैं तो ग्रेजुएट, बैचलर में कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नेम आ जाएगा, प्रोग्राम नेम आ जाएगा, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिप्लोमा का नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आ जाएगा, इशू डेट आ जाएगी, और इशू लोकेशन मतलब कि जिस भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किया उसकी लोकेशन कौन सी थी, स्टडी लैंग्वेज आपने इसमें मैंशन करनी है, और ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या अभी करनी है, ठीक है, वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। लैंग्वेज में आप अपनी नेटिव लैंग्वेज कर देंगे, और इंसर्ट में जाएंगे तो आप इसमें प्रोफिशिएंसी भी ऐड कर देंगे कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज का भी आइडिया है। एक्टिविटीज़ में अगर आपने किसी भी किस्म की कोई पार्टिसिपेट किसी एक्टिविटी में किया तो वो ऐड कर दें। रेजिडेंशियल में ये आप छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं। अगर हाँ किसी स्टूडेंट्स की ड्यूल नेशनैलिटी है तो वो इसमें ऐड करेगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करेंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज नॉलेज है, जिसमें आपका MOI आ जाएगा, बैचलर लेवल का डिप्लोमा है, क्योंकि हम मास्टर में कर रहे हैं तो आपका बैचलर का मतलब है आ जाएगी डिग्री, पासपोर्ट, CV, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट में इन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड की हुई है कि हेपेटाइटिस ABC, लेकिन इसमें ये तकरीबन आपको 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं तो इतना इशू नहीं है, इसके बगैर भी हो जाता है, और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो कि आप किस तरीके से जो है वो अपना जो है वो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ जो एट वोस लोरेंट है किस तरीके से अपना एडमिशन खुद अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है, इजी प्रोसेस है। तो अगर आपका एक दफ़ा एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो बाकी प्रोसेस भी इजीली हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, तो मेरी पॉसिबल कुछ जो है वो यही होती है कि मैं जो है वो हर स्टूडेंट्स को जो है वो उसका रिस्पॉन्स लाजमी दूँ, कोशिश मैं यही करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो उस चीज़ को यार मैनेज कर लिया करें। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।